दर्शन कीजिए गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, दर्शन कीजिए गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, यह कहाँ तक सत्य है? किसी ने उनसे पूछा। वो उत्तर में लिखते हैं, दर्शन कीजिए गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, अर्थात गुरु का दर्शन करने से जन्म और मरण के दुख से छुटकारा मिलता है। कहाँ तक सच है? यदि इसका कोई अर्थ निकाले कि गुरु के शरीर के दर्शन करने मात्र से जन्म मरण के दुख समाप्त हो जाते हैं, तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण है। लोगों के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भावना बढ़ाने के लिए ऐसा कहा गया है। यहां गुरु के शारीरिक दर्शन का अर्थ नहीं है। दर्शन कीजिए गुरु का, गुरु का दर्शन का अर्थ है उनके विवेक, विचार, वैराग्य और ज्ञान। इन सब को समझना जो गुरु के उपदेशों के अनुसार जीवन बनाएगा और बोध वैराग्य में रमेगा, उसके जीवन के दुख विदा हो जाएंगे। तो दुखों से मुक्त होने का उसकी जो पहली शर्त है, अनिवार्य शर्त, वह यह है कि पहले गुरु के निकट तो जाओ। जो गुरु के निकट जाएगा ही नहीं, गुरु के दर्शन ही नहीं करेगा, वह गुरु उपदेशों का पालन भी कैसे करेगा? इसलिए गुरु के शारीरिक दर्शन का भी अपना महत्व है, और गुरु का जैसा जीवन है उन्हीं के जैसा अपना जीवन निर्मल और शांत बनाने की प्रेरणा गुरु के दर्शन से ही मिलती है। एक प्रश्न और है, शरीर छूटते समय ज्ञानी हो या कि अज्ञानी, दोनों को पीड़ा होती है, शरीर छूटते समय ज्ञानी हो या कि अज्ञानी, दोनों को पीड़ा होती है, फिर दोनों में क्या अंतर हुआ? इसके जवाब में इसका समाधान किया गया है। शरीर छूटते समय ज्ञानी को शारीरिक पीड़ा हो सकती है, किंतु उनका मन शांत रहता है। वे शरीर छूटते समय प्राणी पदार्थों के छूट जाने के भय से चिंतित और पीड़ित नहीं होते।
शरीर में कष्ट है, दर्द है, तो व्याकुलता हो जाती है। लेकिन जो उनका मन का रोग है, वह चूंकि उसका शमन हो गया होता है, इसलिए मन पीड़ा नहीं देता है। हाँ, किसी अज्ञानी आदमी का शरीर छूटता है तो हो सकता है कोई शारीरिक पीड़ा ना हो, लेकिन मन उसका जो है चिंतित, पीड़ित और दुखी रहता है। उसका मन अंतिम समय में भी अपने माने गए प्राणी पदार्थों की चिंता में उलझा रहता है। शरीर भले छूट रहा हो, किंतु उसका मोह नहीं छूट रहा है, और इस नाते वो बहुत ज्यादा दुखी बना रहता है। जीवन भर तो दुखी बना रहा, मरते समय भी वह दुखों से नहीं छूट पा रहा, और उस समय सामान्य संसारी आदमी का दुख ज्यादा सघन हो जाता है। ऊपर से देखने पर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों समान दिख सकते हैं, किंतु उनके मानसिक स्तर में बड़ा अंतर होता है। अनेक संत हुए हैं, बहुत थोड़ी उम्र में वो साधु मार्ग में लग गए और पूरा जीवन उन्होंने साधनामय जीवन जिया, लेकिन कुछ शरीर में व्याधि आ गई, रोग आ गया, तो शरीर की पीड़ा तो झेलते थे, लेकिन मरने का डर, आश्रम छूट रहा है, लोग छूट रहे हैं, ये सब पीड़ा नहीं होती है। और शरीर की पीड़ा इतना दुख नहीं देती जितना कि मानसिक पीड़ा देती है। और किसी का मन हल्का फुल्का है, मानसिक ताप नहीं है, तो आसानी से जी जाता है, उस दुख दर्द को भी झेल जाता है। एक अच्छा प्रश्न है, धर्मों में बड़े अंतर हैं, विज्ञान पर तो सब एक हो जाते हैं, किंतु धर्म पर एक क्यों नहीं हो पाते? धर्म के नाम पर इतनी भिन्नताएं क्यों हैं? लोग एक साथ बैठ करके एक सिनेमा हॉल में सिनेमा देख सकते हैं, किसी भी दुकान में लोग जा करके चीजें खरीद सकते हैं, कोई भी होटल चला रहा है, आदमी पहुंच जाएंगे बिना उससे पूछे, और ये उचित भी है, होटल वाले का जो भी बनाया है सब खाते हैं, कोई नहीं पूछता होटल वाले की जाति क्या है, चीजें पसंद आ रही हैं, उनकी रुचि की हैं, तो जाएंगे, पेमेंट करेंगे और चीजें लेंगे और खाएंगे। बस में चलते हैं तो बस चलाने वाला उनकी जात का है, उनके धर्म का है या दूसरे धर्म का है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है।
वो बैठेंगे, किराया देंगे और अपनी जगह पर उतर जाएंगे। तो विज्ञान की चीज़ों के प्रयोग में सब एक हो जाते हैं। जहाँ पर धर्म की बात आती है तो लोग उसमें बड़ा भेद मानने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? धर्म के नाम पर जो अनेक विचारों में जो भिन्नता दिखाई देती है, उसका कारण है लोगों द्वारा अपने अपने संप्रदाय, मत, पंथ, परंपरा को ही स्वर्ग और मुक्ति का एकमात्र रास्ता बताना और दूसरे मत पंथ को, दूसरे के विचारों को नरक का रास्ता बताना है। लोग यह मान लेते हैं कि जो हमारी पुस्तक है, हमारा जो धर्म ग्रंथ है और जो हमारे संप्रदाय का ईश्वर है, वही सही है। जो हमारे महापुरुष हैं बस वही अवतार हैं, वही पैगंबर हैं, दूसरे ठीक नहीं हैं। तो इन बातों से लोगों के मन में झूठा अहंकार पैदा होता है और फिर वह दूसरे संप्रदायों के प्रति हीन भावना रखते हैं और परिणाम में समाज में फूट पैदा होती है। एक बात और, लोगों ने धर्म के नाम पर तमाम तरह के विश्वासों, रीति रिवाजों, कर्मकांड, पूजा पद्धति, नाम जप, वेशभूषा, इन्हीं सबको धर्म मान लिया है। इसलिए भी धर्म के नाम पर अनेक मत दिखाई देते हैं। साहब लिखते हैं, धर्म अगर कोई सही समझे तो वह है मानवता, करुणा एवं सदाचार, और इस पर कोई अलग नहीं है। सब मानते हैं, यह कोई नहीं कहता कि मानवता एवं सदाचार बेकार है, इन्हें नहीं मानना चाहिए। जैसे विज्ञान पर लोग सहमत हैं वैसे धर्म पर भी सहमत हैं। सभी धर्म एक स्वर से मानवता और सदाचार को स्वीकारते हैं। सबके साथ भाईचारे का बर्ताव ये सभी मतों में है। इसलिए जैसे विज्ञान पर एकमत हैं वैसे ही धर्मों पर भी सब एकमत हैं। धर्म के जो आंतरिक गुण हैं उन पर सब सहमत हैं। बस बाह्याचार और कर्म कांड इनमें ही अंतर है। और थोड़ा जब वो ये मानते हैं कि हम ही सच बोल रहे हैं और दूसरे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तब यहाँ पर वो थोड़ा सा भेद पैदा कर देते हैं। एक थोड़ा सा हल्का सा प्रश्न है, गंभीर नहीं है लेकिन लोगों के लिए तो है बड़ा प्रश्न। जब मृत्यु होती है तो क्या कोई यमदूत जीव को ले जाने के लिए आते हैं? ऐसा हुआ कि एक स्त्री मर गई थी, लोग उसके लिए तैयारी करने लगे,
लेकिन एक घंटे बाद वो फिर से जीवित हो गई। जब वह उठी तो उसने बताया कि बड़े बड़े दांतों वाले दो यमदूत मुझे लेने आए थे, वे मुझे वहां ले गए जहां एक नाले में गरम गरम खून बह रहा था, वहां लोहे का एक गरम खंभा बंधा हुआ था। एक यमदूत ने मुझे उस गरम खंभे से बांधना चाहा, दूसरे ने रोक दिया। पहले वाले यमदूत ने मुझे बड़े बड़े कांटों वाली झाड़ियों में फेंकना चाहा, लेकिन दूसरे यमदूत ने फिर से रोक दिया। उसने कहा, गलत आदमी को ले आए हो। तब मैं वापस आ गई। क्या ये बातें सही हैं? एक स्त्री जो कि लोगों ने समझा कि ये भी एक खत्म हो गई है, जब वह उठी या जगी तो उसने अपनी कुछ मानसिक कल्पनाओं को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो पूछने वाले ने पूछा, क्या ये बातें सही हैं? साहब ने लिखा, यह एक मानसिक भ्रम है। पुराणों में और कथा कहानियों में इस प्रकार की बातें लिखी जाती हैं। उन्हें पढ़ सुन करके आदमी का मन वैसा बनता है, उसमें वैसे भय बनते हैं। और मृत्यु के समय में वही सब डरावनी बातें याद आती हैं और आदमी समझ लेता है कि मुझे लेने के लिए यमदूत आए हैं और यमलोक ले गए हैं। स्वर्ग, नरक, देवदूत, राक्षस, यमराज, ये ऐसी ही बातें हैं जो पुस्तकों में पढ़ करके हमारे मन में समा जाती हैं। न बाहर कहीं यमलोक है, न स्वर्गलोक है, न कोई यमदूत है और न अलग से कोई देवता है और न कोई यमराज है और भगवान है। ये सारी बातें हमारे मन का जोड़ हैं। लेकिन सभी धर्म संप्रदायों और धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की बातें छाई हुई हैं। जो भावुक प्रकृति के होते हैं, कमजोर मन वाले होते हैं, वो इन्हें पढ़ सुन करके प्रभावित होते रहते हैं। वास्तव में आदमी के गलत कर्म और गलत संस्कार वही उसके लिए यमदूत हैं और वही उसे पीड़ित करते रहते हैं। और जो कुछ उसके अच्छे कर्म और शुभ संस्कार हैं वही उसके लिए देवदूत हैं जो हर समय उसे सुख पहुंचाते हैं। आदमी का दिमाग क्यों घूमता रहता है? वह शांत क्यों नहीं रहता? यह प्रश्न है। उत्तर इसका दिया गया है, आदमी के दिमाग घूमते रहने का एक कारण है, वह है भोगों की लालसा। जो जितना भोगी होगा उसके मन में
उतना ही सुख सम्मान और धन पाने की उतनी लालसा होगी, और जितना उसके मन में लालसा गहरी होगी उसका दिमाग और उसका मन उतना ही चंचल एवं अशांत होगा। कितने लोग होते हैं, थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और दुनिया घूमने के लिए निकल जाते हैं, अमुक देश गए, अमुक जगह गए, अमुक जगह गए, अमुक जगह गए, फिर घूम करके आए, फिर कुछ इकट्ठा किए, फिर चल दिए। क्या घूमोगे, क्या देखोगे, हर जगह वैसे ही आदमी होते हैं और हर जगह वही चीज़ें हैं, बस रंग का भेद होता है। एक आदमी जापान में नौकरी करता था, ऑफिस में कुछ गलत हुआ तो ऑफिस के लोगों ने उसको वहां से हटा दिया, उसके जो पैसे थे उसको दे दिए और अब तुम जाओ। तो उसका चित्त उलझा उलझा सा था, तो पैसे लेकर के अपना और टिकट करा करके हिंदुस्तान घूमने के लिए आ गया। कुछ दिन के लिए चलते हैं, वो चूंकि बौद्ध था तो हिंदुस्तान आ गया, और बिहार खास जगह रही है बुद्धों की, बौद्धों की, तो वहाँ पहुँच गया। वहाँ बहुत भीड़ होती है ट्रेनों में, इतनी भीड़ थी कि ट्रेन में टिकट लेकर के बेचारा चढ़ तो रहा था, चढ़ नहीं पाया, धक्का लगा और चलती हुई ट्रेन से गिरा और ख़त्म हो गया। लोग पता किए, चेक किए, दूतावास को सूचना दिए। एक चाय वाला कहता था, हम तो यहाँ से भागने को सोचते हैं, यही वो ये वहाँ से भाग के यहाँ मरने आ गया, हम तो सोच रहे हैं कि इसको छोड़ के चले जाएं इस जगह को, और ये आदमी वहाँ से छोड़ करके यहाँ आया है मरने के लिए। अगर मन अशांत है, मन पीड़ित है, मन हमेशा बाहर ही घूमता रहता है, तो जहाँ रहता है वहाँ वो नहीं रहता है, वो कहीं और रहता है। अब वो जापानी है, अब बिहार में आकर के मरा, वो भी रेलवे ट्रैक पर। धन सम्मान और सुख पाने की जितनी जिसकी लालसा होगी उसका दिमाग और मन उतना चंचल और अशांत होगा। भोग पदार्थों की लालसा छोड़कर ही आदमी शांत संतुष्ट एवं सुखी हो सकता है। भक्ति का विनाश किससे होता है? भक्ति कैसे नष्ट होती है? अहंकार, प्रमाद, कुसंग और संग दोष, ये चार चीजें गिनाया है साहेब जी ने। भक्ति का विनाश किससे होता है, किसी ने पूछा है, उन्होंने गिनाया पहला कारण अहंकार। अहंकार का अर्थ है जो तुम हो वही सबसे श्रेष्ठ,
और अहंकार में एक लक्षण होता है दूसरा दूसरे को हीन समझना, दूसरा है प्रमाद। प्रमाद मतलब बिगड़ा हुआ मन, कुसंग गलत संगत है तो भी धीरे धीरे भक्ति जो है बिगड़ती चली जाती है, और संग दोष, संग दोष से और कुसंग से इनमें थोड़ा सा अंतर है। कुसंग और संग दोष में थोड़ा अंतर है। कुसंग माने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गलत खान पान वाला हो, उसके साथ अगर व्यवहार हो जाए हमारा तो जैसा सामने वाले का व्यवहार बढ़ता है वो हमारे लिए कुसंग हो गया। गाली देता है, खान पान ठीक नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, तो उसका प्रभाव हम पर आया तो यह कुसंग हो गया हमारे लिए। और संग दोष होता है स्त्री का पुरुष के साथ और पुरुष का स्त्री के साथ मानसिक जुड़ाव हो जाना, यह संग दोष है। इन चार में लगे रहने से भक्ति खत्म हो जाती है। साहब जी ने एक साखी दिया है, खेत बिगाड़े खरतुआ, सभा बिगाड़े कूर, लोभ बिगाड़े भक्ति को ज्यों केसर में धूर। केसर बहुत कीमती होता है, पहाड़ों पर होता है, कश्मीर में होता है, केसर साफ होता है, अगर उसमें धूल मिल जाए तो केसर की क्वालिटी घटने लगती है। लोभ बिगाड़े भक्ति को, मन में लोभ है, लोभी आदमी के मन में भक्ति नहीं सकती। सभा बिगाड़े कूर, कूर माने झूठा, क्रूर हो, हिंसक हो, झूठ बोलने वाला हो, वह धर्म सभा को बिगाड़ देता है। और खेत बिगाड़े खरतुआ, खरतुआ क्या है, हिरण सा है खरपतवार, अगर खरपतवार है तो खेत की फर्टिलिटी, खेत की उपज मर जाती है, कम हो जाती है। जो भी उसमें फर्टिलाइजर डाले जाते हैं वो खरपतवार ही सोख लेती है। अगर खेत में खरपतवार होगी तो खेत की उपज कम होगी। सभा में यदि कोई झूठ बोलने वाला है तो सभा का महत्व कम हो जाता है। यदि मन में लोभ है कुछ पाने का तो भक्ति सही नहीं सधेगी। और जैसे केसर धूल में मिला दो तो केसर की क्वालिटी घट जाती है, वैसे ही है भक्ति का विनाश। अहंकार, हमारा प्रमाद, हमारे मन का कुसंग और संग दोष, इससे भक्ति को हानि पहुंचती है। भक्ति के स्थाई रत्न कौन कौन हैं? सेवा भाव, समर्पण, विनम्रता, परोपकार और आत्मस्थिति, यह उन्होंने गिनाया है सेवा के जो स्थाई आधार हैं। सेवा भक्ति के, भक्ति के जो स्थाई आधार हैं, सेवा से प्रारंभ होता है और आत्मस्थिति तक पहुंचना यह यात्रा है। लोगों ने बड़े प्रश्न पूछे हैं मृत्यु भोज से संबंधित।
क्या है, कोई आदमी मरता है और पंडे पुरोहित संबंधी और समाज के लोग वो बहुत जोर देते हैं कि मृत्यु भोज किया जाना चाहिए, और जहाँ शरीर छूटा है जिस घर में उनकी मानसिक स्थिति या आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो समाज दबाव बनाता है उन पर कि ये तो करना ही पड़ेगा। तो दूसरों से कर्जा लेकर के भी लोग श्राद्ध करते हैं, दूसरों से उधार लेकर के लोग इसको निपटाते हैं। तो जहां एक आदमी चला गया है, कोई घर का मुखिया है, कमा रहा था, चला गया, उसके जाने से ही घर टूट गया, अब ऐसे में लोग मांग करें कि नहीं आपको भंडारा देना है, खिलाना है, ये तो बड़ी कठिन बात हो गई, कठोर बात हो गई। लेकिन फिर भी समाज में जोर दिया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। पंडा पुरोहित चूंकि उसको पैसे मिलते हैं, दान मिलता है, तो वह छोड़ेगा नहीं, और समाज के लोग भी खाने का कोई अवसर चूकते नहीं हैं। तो अगर आदमी थोड़ा भी कमजोर हो तो उसको मृत्यु भोज में लोगों को आमंत्रित करना ही पड़ता है। कहेंगे 501 ब्राह्मणों को खिलाओ। क्यों ब्राह्मणों को खिलाएं? कोई कर्जा खाए हैं क्या ब्राह्मणों को खिलाने का? लेकिन नियम है ब्रह्म भोज करना है, और ब्राह्मण छोड़ेंगे नहीं बिना खाए। वो तो ताके रहते हैं किस घर में कोई जन्म ले और किस घर में कोई मरे। तो जो मृत्यु भोज देना है यह लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। तो लोग पूछते हैं ये उचित है या अनुचित। कोई बूढ़ा है, पैसे कमाया है, उसने कुछ पैसे निकाल करके रख दिए हैं कि मेरा शरीर छूटे तो इतना जो है लगा देना मृत्यु भोज में, तो कोई बुराई नहीं है। तुमने तैयारी कर रखी है, एक फंड निकाल रखा है, तो बढ़िया है, ठीक है, कर देंगे। लेकिन जबरदस्ती घर वालों को परेशान करना मृत्यु भोज के लिए, तो ये प्रश्न यहां पर आया है, मृत्यु भोज उचित है या अनुचित। मृत्यु भोज का जो प्रचलित रूप है वह एकदम अनुचित है। यह इसलिए किया जाता है कि एक लोक मर्यादा है, लोग पहले करते रहे हैं इसलिए हमें भी करना है। इसमें बहुत से लोग पिस जाते हैं और कर्ज लेकर भी इस गलत रूढ़ी का पालन करना पड़ता है, यह तो एकदम अनुचित है। मृतक व्यक्ति यदि अपने पीछे धन संपत्ति छोड़कर गया है तो परिवार वालों को चाहिए कि उस धन संपत्ति का केवल स्वयं ही उपभोग न करें, उसका कुछ हिस्सा संतों की सेवा में, दीन दुखी और असहायों की सेवा में, और समाज उपयोगी कार्यों में लगाएं। कोई नलकूप बनवाता है, लगवाता है, कोई पानी पीने की व्यवस्था करवाता है, कोई सराय बनवाता है, कोई धर्मशाला बनवाता है, कोई गाड़ी चलवा देता है। आप स्टेशन में जाएं, रेलवे स्टेशन में, और देखें कि जो अपाहिज लोग होते हैं या जो जिनके हाथ पैरों में चलने में जो सक्षम नहीं हैं, उनके लिए रेलवेज में गाड़ियां होती हैं, बैटरी की गाड़ियां, और उसमें लिखा रहता है दान देने वाले का नाम।
कि अमुक आदमी की स्मृति में अमुक के द्वारा दिया गया, इसे स्वीकार किया गया है। रेलवे वाले रख लेते हैं, जो खर्चा आता है वो आदमी उठाता रहता है जिसने सेवा शुरू की है। तो यदि शरीर छोड़ने वाला अपने पीछे कुछ धन संपत्ति छोड़कर गया है, तो घर परिवार के लोगों को चाहिए कि उसका कुछ हिस्सा वो समाज सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, या पवित्र आत्मा संतों की सेवा में सत्संग कराएं, लोगों को बुलाएं, बैठाएं, समझाया जाए, इन चीज़ों में लगाएं। यही मृत्यु भोज का वास्तविक उद्देश्य है। किंतु इसको भूलकर मृत्यु भोज के नाम पर अमुक अमुक लोगों को अमुक अमुक प्रकार का मिष्ठान खिलाने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलेगी, उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा, यह केवल भ्रम है। तुम ही लोग प्रेत बने हुए हो, उसके लिए गिद्ध बने हुए हो। जब किसी घर में गांव देहात में मरते हैं तो उसको कहा जाता है महाबामहन, उड़ीसा की तरफ के होते हैं वो, आया करते हैं घोड़ा या बैल लेकर के आते हैं, और उसमें दोनों तरफ झोली लटकी रहती है, और उनको पता रहता है क्योंकि लोग गया जाते हैं कर्मकांड कराने, तो उधर से भी आते हैं, वो सब मिले जुले रहते हैं, और जहाँ जहाँ शरीर छुटा रहता है वहाँ से सब कुछ ले जाएंगे, चारपाई, गद्दा, रजाई, हंडा, बर्तन, पैसा, जानवर। और लोग भी बहुत होशियार होते हैं, ऐसा जानवर देते हैं जो कि बस मरने वाला होता है, जिंदा है, पूंछ हिल रही है उसकी, ऐसा जानवर उस ब्राह्मण को देंगे, ले जाओ उसको। वो तो एक कहावत चल पड़ी है ना, क्या है, मरी गाय ब्राह्मण के नाम। अब वो अब गई कि तब गई, ऐसी गाय जो है ब्राह्मण को दी जाती है, ले जाओ यही एक गाय रही, उसको बहुत प्यारी थी मरने वाले को, इसको लेकर के जाओ, उसको ले क्या करेगा, तो क्या करें, लोग तंग आ गए हैं। अब अगर इस तरीके के प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं कि मृत्यु भोज उचित है या अनुचित, तो कुछ दिनों में समाप्त ही हो जाएंगे। जनता के मन में प्रश्न उठेंगे तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी अपने आप। किसी की मृत्यु होने पर उसके शव को बिठाकर शमशान तक ले जाते हैं, तो क्या इससे उसे स्वर्ग मिल जाता है? बिठा कर ले जाने का रिवाज तो संतों को ही है, आमतौर पर तो लोग अर्थी पर लिटा करके ले जाते हैं, बैठा करके ले जाने वाला जो रिवाज है वो संतों के लिए ही है। कभी जैनियों के यहाँ देखा है आपने, खासकर दिगंबरी जैनी जो कपड़े नहीं पहनते हैं, उसको एक रथ पर बैठा देते हैं उसके शरीर को, और उसके रथ को भगत लोग खींचते हैं, चार आदमी इधर चार आदमी उधर, वो खींचेंगे, और वो चूंकि लाश है तो गिर जाएगी तो उसको बांध देते हैं, उसके हाथ पैर बांध देंगे, कमर बांध देंगे, सिर बांध देंगे, और तब उसको लेकर के चलेंगे, और भक्तों की भीड़ भावुक उसको लेकर के दौड़ेंगे, और वो नंगी लाश वहाँ बैठी है, वो हिलती रहती है ऐसे ऐसे, मतलब मुझे मत करो, मत ले जाओ, मत ले जाओ, मत ले जाओ। अब भगत मानते ही नहीं हैं, वो ले आएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। ऐसे लगता है जैसे अपमान कर रहे हैं, लेकिन ना उन मूर्खों को समझ में आता है और ना बाकी के साधुओं को समझ में आता, उनके यहाँ परंपरा ही यही है। और देखने में इतना भयावह है, छोटे छोटे बच्चे देखें तो डर जाएं,
एक नंगी लाश बैठी हुई है और हिल रही है बेतरतीब, तो किसी की मृत्यु होने पर उसके शव को बिठाकर शमशान तक ले जाते हैं? क्यों? क्या उससे उसे स्वर्ग मिल जाता है? जैनी महाजड़ होते हैं, 4000 साल से कपड़े नहीं पहन रहे हैं, पूरी दुनिया कपड़े पहन रही है, जैनी लोग कपड़े नहीं पहनेंगे। कपड़ा पहन लिया तो भगत नहीं मानेगा, दिक्कत ये है। और भगत नहीं मानेगा तो साधु जिएगा कैसे? समस्या इस बात की है, मान सम्मान घट जाएगा, नहीं मानेगा वो। साहब ने जवाब में लिखा है, ज्यादातर तो शव को अर्थी पर लिटाकर ही शमशान तक ले जाने का रिवाज है। हाँ, साधु महात्माओं के शरीर छूटने पर उनके शव को लोग बिठा देते हैं और वैसे ही समाधि दे देते हैं, यह एक रिवाज है। इससे किसी को स्वर्ग या नरक में जाने का कोई संबंध नहीं है, यह एक व्यवस्था है बस। बाहर माने गए स्वर्ग और नरक ये काल्पनिक हैं, बाहर कोई स्वर्ग नरक नहीं और कहीं कोई लोक नहीं। ये थोड़े से कुछ प्रश्न यहाँ से उनके उत्तर सहित पढ़े गए साहेब बंदगी।